जय माता दी दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये स्विफ्ट VDI है, स्विफ्ट डिजायर VDI। दोस्तों इस गाड़ी का प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों इसमें चूहा ने पूरी तरीके से अंदर से डैशबोर्ड को कट कर दिया है और अंदर चूहा डायरेक्ट गाड़ी में घुस जा रहा है। मैं आपको पॉइंट दिखा दे रहा हूँ कहाँ से घुस रहा है, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ये कवर होता है दोस्तों, जो बाहर की हवा रोकता है अंदर आने के लिए, उसी को पूरा काट कर वो अंदर घुस गया दोस्तों। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए इसको हम लोग डैशबोर्ड खोलेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल कर पूरा साफ़ करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको रुई टाइप का, ये कॉटन पूरा कैसे मतलब काट दिए हैं सब, इसको पूरा क्लीन करेंगे। आपको हम बाहर भी दिखाएंगे, बाहर से भी दिखाएंगे, बाहर से भी आपको दिखा देते कहाँ से। ये देखिए ये पूरा कट कर दिया है, तो ये चूहा डायरेक्ट इसके अंदर घुस जा रहा है दोस्तों। अब ये घुस जा रहा है तो कभी ऐसा हो सकता है कि फ़ैन चालू किए और उसी में वो पंखे में आके मतलब कट जाए या मर जाए, जो भी हो, फिर वो गंदा बदबू करने लगा। तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग बैटरी का वायर निकाल लेंगे इसका। बैटरी का वायर निकालने का मतलब ये रीज़न है दोस्तों कि डैशबोर्ड अगर खोलना है तो आप बैटरी का पहले निगेटिव निकाल लीजिए, ताकि जैसे कि चेक इंजन लाइट या कोई भी लाइट वापस जब फिट करें तो आए ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को वाइपर दोनों खोल लेना है। दोनों वाइपर खोल के ये जो ढक्कन दिख रहा है, इसी के अंदर से चूहा अंदर गया है दोस्तों। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के इसका जो ये कवर दिख रहा है, 5-6 लॉक दिया रहता है आगे, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, निकालता हूँ। तो ये दोस्तों ये निकाल कर हम आपको पूरा मतलब प्रॉपर दिखाएंगे कि मतलब कैसे चूहा ये अंदर घुस गया है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम यहाँ कभी कभी ऐसे होता है कि गाड़ी हम लोग गैरेज में रख देते हैं, तो गैरेज में काफ़ी दिन रहने की वजह से चूहा गाड़ी में आ जाता है, या मतलब तो अगर आपकी गाड़ी में भी चूहा ज़्यादातर लग रहा है दोस्तों, तो इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन के लिए, 10 या 15 दिन के लिए अपनी गाड़ी का जगह बदल दें, ताकि चूहा जो है कि वो वहाँ से भाग जाए। क्योंकि एक जगह पे गाड़ी रखने के वजह से ही ये देख लीजिए दोस्तों, यहीं से ये चूहा घुस जा रहा था। देखिए ये पूरा कटा हुआ है, अंदर से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहीं से ये जो डैशबोर्ड के अंदर जो प्लास्टिक रहता है, इसी के अंदर से ये इतना पूरा जगह मिलता है और एक रहता है। अब इसको रोकने के लिए दोस्तों सिर्फ वही जो ढक्कन मैंने आपको दिखाया कि काट दिया है, वही एक चीज़ होता है दोस्तों। पर चूहा क्या है कि वहाँ से अगर उसको जगह नहीं मिला है तो वो काट कर पूरा अंदर जाने के लिए कोशिश किया है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था दोस्तों कि चूहा अगर आपकी गाड़ी में कंटिन्यूसली लग रहा है या भाग नहीं रहा, तो दोस्तों प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करें, एक बार अपनी गाड़ी का जगह चेंज कर दें, या जहां गाड़ी रख रहे हैं, अगर आप सीधे गाड़ी रख रहे हैं तो उसको रिवर्स में रखें, अगर रिवर्स में रखें तो सीधे रखें दोस्तों। गाड़ी को जगह चेंज करना बहुत जरूरी, बहुत सारी गाड़ियों में, जितनी ज़्यादातर नई गाड़ियों में बहुत चूहा लग रहे हैं सब दोस्तों, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें। और आप क्या करें, गाड़ी को अपना जगह कम से कम 10 से 15 दिन, आप बाहर रखना हो तो कवर डालकर बाहर भी रख सकते हैं गाड़ी को, तो कम से कम 10 से 15 दिन या एक महीने तक ही गाड़ी को आप मतलब वहां से हटा दें, उसके बाद से फिर से वहां पे आप रखना स्टार्ट कर दें जहां पे पहले रखते थे। क्योंकि चूहा जब पता चल जाएगा कि यहाँ पर गाड़ी नहीं है, तो वहाँ से वो चूहा भाग जाएगा, वो दूसरे जगह जाने की कोशिश करते हैं, कहीं की गाड़ी वाड़ी जो भी है वायरिंग या ऐसे जगह पर जाते हैं सब कि जहाँ पर वो आराम से रह सके, रुक सके, वहीं पर बैठ सके, तो ऐसे जगह पर बैठ वो काटने लगते हैं सब वायरिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग को पूरा ये डैशबोर्ड अब खोलना पड़ रहा है। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए दोस्तों हम लोग इसका डैशबोर्ड मीटर पहले निकाले हैं। अब ये देखिए ये ऊपर का, इसमें देखिए पुरानी वाली स्विफ्ट में दोस्तों एक ही पार्ट में पूरा रहता है, पर इसमें देखिए दोस्तों तीन चार पार्ट में पूरा डैशबोर्ड है दोस्तों। ये व्हाइट वाला अलग है, ब्लैक वाला अलग है, ऊपर का मीटर वाला पॉइंट अलग है, फिर एक और ढक्कन है उसका, वो भी अलग है, एसी वाला साइड का कवर है वो भी अलग है। तो 4-5 पार्ट में ये डैशबोर्ड फिटिंग है दोस्तों। तो इसको देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे पूरा मतलब ये डिक्की विक्की निकाल कर, ये साइड का पैनल, गियर बॉक्स का जो पैनल है, इसको भी हम लोग बाहर निकाल कर बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि डैशबोर्ड खोलने में दिक्कत हो रहा था, रोकता है ये सब चीज़ें। क्योंकि ये जो अपना पावर, ये डैश, ये एसी का जो स्विच लगा है, पूरा नॉब सिस्टम दोस्तों वो इसके साथ अटैच है। तो दोस्तों इसको हम लोग खोल कर पीछे निकाल देंगे, और देखिए दोस्तों इसके अंदर भी चूहा काट दिया है वायर, उसको भी हम आपको दिखाते हैं, और इसको भी वायरिंग कंप्लीट मतलब हम लोग करके फिटिंग करेंगे, क्योंकि अब जब खोलें तो सब 1-2 कंप्लीट करना ही करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा कागज़ भर दिया है। तो इसको हम लोग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों और आपकी भी कार है, तो दोस्तों आप जैसे जैसे ये बताया जा रहा है वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो ये आप भी खुद कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं, ये देखिए दोनों ये
जो वायर केबल था ये डैशबोर्ड के अंदर, ये जो ऊपर जैसे कि मिरर पे और पैर पे हवा डालने वाला है, और एक हीटिंग वाला है, एक दूसरा जो तीसरा जो ये ब्लैक कलर वाला दिख रहा है वो है जो बाहर की हवा अंदर आने में रोकता है, वो केबल है। तीन केबल इसमें लगा रहते हैं दोस्तों ये जो। उसके बाद इसको हम लोग निकाल कर डैशबोर्ड बाहर निकालेंगे। ये देख लीजिए ये जो वाइट पार्ट देखिए दोस्तों, ये नई नई गाड़ियों में अब कंपनी अलग अलग तरीके से एकदम मतलब सिस्टम दे रहा है कि मतलब कैसे क्या ही करे आदमी। पहले पुराने वाले में एक ही पार्ट में देता था दोस्तों, तो आसानी होती थी कि एक पार्ट खोलिए पूरा निकल जाएगा। अब इसमें दो दो तीन तीन पार्ट में हम लोगों को खोलना पड़ रहा है दोस्तों। कंपनी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है वैसे वैसे सामान भी चेंज करती जा रही है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और बेहतरीन दिया है दोस्तों कि इसमें पहले जो स्क्रू देता था वो दूसरा स्क्रू देता है, इस समय अब क्या देता है ये स्क्रू, अच्छा स्क्रू दे रहा है, मतलब बढ़िया टाइप का, जैसे कि वो नट वाला टाइप का देता है। पहले स्क्रू देता था वो पेच वाला टाइप का देता था, पर अभी क्या है नट वाले टाइप में दोस्तों फिटिंग करने में भी आसानी होता है और खोलने में भी आसानी है वैसे तो। और ये देखिए दोस्तों, ये एयरबैग का जो दो नट दिख रहा है डिक्की के अंदर रहता है, इसको हम लोग दोनों बोल्ट को खोल लेंगे बाहर। इसको खोलेंगे उसके बाद जितना भी देखे ही है आपने कि सारा स्क्रू हम खोल रहे थे, सारा स्क्रू ये दो साइड में 10 नंबर का स्क्रू है उसको खोल लेंगे। उसको खोलने के बाद दोस्तों ये देखिए डैशबोर्ड हमारा ढीला हो चुका है। यहाँ पे अब दोस्तों ये जो देख रहे हैं इसका एसी का जो पीछे सिस्टम गया था उसका पाइप थोड़ा सा हटाकर इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ऐसे ही मतलब अगर आपको भी मतलब काम कराना है तो आप हमारे शॉप पे आ सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अबाउट सेक्शन में है दोस्तों। दोस्तों आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि अब हम ब्लोअर मोटर जो इसका है उसको हम लोग खोल रहे हैं, उसको खोल कर बाहर निकाल देंगे, उसका सॉकेट है कपलर जो वो भी निकाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों ये कट गया है तो इसको अब हम लोग निकालेंगे। देख लीजिए दोस्तों इसको निकालने में भी बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि ये निकल नहीं रहा था, तो हल्का सा मैं मतलब थोड़ा सा टेढ़ा वाड़ा कर मतलब इसको बाहर निकाल दिया। जैसे कि आप देख लीजिए पूरा गोल काट दिया है, और ये देख लीजिए पूरी गाड़ी का कैसे मतलब अंदर सत्यानाश हुआ है चूहा की वजह से, ये गाड़ी पूरी खोलनी पड़ जाती है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं, देखिए गियर बॉक्स के पैनल के नीचे पूरा मतलब कागज़ वायरिंग उसका कट हो गया है, पूरा मतलब कचड़ा करके मतलब रखे रहते हैं लोग दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, हम लोग इसको पूरा थोड़ा सा क्लीनिंग कर देंगे, अंदर हवा हवा मार देंगे ताकि जो भी मतलब इसका गंदगी हो वो निकल जाए, गाड़ी को पूरा अच्छे से क्लीन करवा देंगे। तो दोस्तों अब हम इसके बाद आप देख ही सकते हैं कि मैं कंप्लीट मतलब सब जगह जितना भी हो सकता है मैक्सिमम हवा मार देते हैं हम लोग। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो ब्लोअर से भी आप मार सकते हैं, हमारे पास तो है ऑप्शन, तो हम लोग इससे कर लेते हैं दोस्तों। ये सब कंप्लीट करने के बाद अब हम जो निकाले थे ब्लैक वाला कवर उसको भी रिपेयर कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों वो नया मिलता नहीं है। वो नया का मतलब ये है कि दोस्तों वो पूरा ब्लोअर सिस्टम आपको चेंज करना पड़ेगा। हमने बात किया कंपनी में, वो काफ़ी बहुत महंगा था, तो अब क्या करना है दोस्तों उसको तो पूरा ये छोटे से ढक्कन के लिए तो लगाना नहीं है। तो दोस्तों हमने एक प्लास्टिक का पूरा फाइबर लिया और इसके जगह पे काट कर उतने ही सेम साइज में लगा दिए, और उसको पूरा प्लास्टिक की तरह से ये देखिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसको पूरा, जैसे कि ये समझ लीजिए कि वेल्डिंग हो रहा है, प्लास्टिक वेल्ड कर रहे हैं इस तरह से। ये पूरा मतलब हम लोग इसको गर्म करके पूरा कंप्लीट मतलब फिनिशिंग कर देते हैं ताकि जो चूहा जैसे आ रहा था, मान लीजिए दोस्तों कंपनी की तरह हो नहीं पाएगा, नए की तरह हो नहीं पाएगा, पर इसको बना सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जितना हम लोग से हुआ उतना हम लोग कंप्लीट ये कर दिए। देख सकते हैं दोस्तों चारों ओर से मतलब ऊपर नीचे सब ओर से पूरा हम लोग अच्छे से चिपका दिए हैं इसको, ये देख लीजिए चिपका दिए हैं कंप्लीट। अब इसको हम लोग फिटिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने इसको ढक्कन को लगा दिया, और ये देखिए हमने उसका लॉक भी बिठा दिया, लॉक ये देखिए काम हमारा करने लगा है दोस्तों। अब इसमें ये रहेगा कि बाहर का हवा भी अंदर नहीं आएगा दोस्तों, बाहर का हवा जब आने लगता है अंदर तो दोस्तों कूलिंग कम हो जाता है, मतलब एसी पूरा वर्क नहीं करता है जितना अच्छे से चाहिए। और ये दोस्तों अभी ठंडी है तो हम लोगों को बाहर का हवा लेना ही पड़ेगा गाड़ी के अंदर, क्योंकि शीशे पे जो बाफ जम जाता है उसको कट करने के लिए बाहर का हवा ही चाहिए, अंदर का हवा से काम नहीं चलता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ब्लोअर मोटर जो है इसको कंप्लीट फिटिंग कर लेंगे। सारे डैशबोर्ड जैसे हम लोग वापस खोले थे उसको उसी
तरह एकदम ओरिजिनली फिटिंग। दोस्तों देखिए, फिटिंग का मतलब ये नहीं कि लगा के कैसे भी लगा दिए और ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। पूरा प्रॉपर बढ़िया से फिटिंग करेंगे ताकि गाड़ी कहीं भी चले, गड्ढे में चले, अच्छे रोड पे चले, कहीं भी आवाज़ ना आए। नहीं तो दोस्तों बहुत जगह ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ, आते हैं लोग मेरे वहाँ, बहुत सारे कस्टमर मेरे आते हैं, बोलते हैं देखिए सर डैशबोर्ड खुलवाए थे और आवाज़ बहुत कर रहा है। तो हम लोग खोलते हैं तो बहुत सारे उसमें देखते हैं कि कितना, 3-4 स्क्रू ही नहीं लगा रहेगा, 2-3 स्क्रू ही नहीं लगा रहेगा, कहीं कहीं ना कहीं स्क्रू छोड़ देते हैं लोग दोस्तों। पर हम लोगों के वहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग प्रॉपर मतलब जितना स्क्रू इसका खोला जाता है उतना सब कम्प्लीटली एक को एक देख कर, एक एक चेक करके, हर एक बार चेक करके इसको फिटिंग करते हैं। दोस्तों आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि दोस्तों वीडियो बना रहे इतना जल्दी जल्दी कैसे कर, पर दोस्तों वीडियो के बीच बीच में हम लोग रोक कर पूरा कंप्लीट देखते हैं कि कहां कहां कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ रहेगा तो आपको वीडियो में वो ज़रूर हम लोग दिखाते हैं। कभी अभी ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमसे गलती नहीं होती, गलती हमसे भी होती है, बहुत सारे काम में ऐसा होता है, पर दोस्तों उसको सही वापस से करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो इसी वजह से हम लोग वहाँ इस तरह के काम आते हैं डैशबोर्ड खोलने के लिए, और ये जो भी मतलब ये वर्क है, ये ऐसे ऐसे काम वर्क आते हैं जो बड़े बड़े वर्क होते हैं डैशबोर्ड। ये दोस्तों ये सब डैशबोर्ड ऐसा हो गया कि आपका कोई भी अंजर पंजर मिस्त्री कोई खोल नहीं पाएगा दोस्तों। कंपनी में जाते हैं लोग डायरेक्ट गाड़ी लेके, वही खोलते हैं लोग दोस्तों, वहीं पर काम करवाते हैं लोग। पर ये दोस्तों ये कंपनी में अगर गाड़ी जाती थी पूरा ब्लोअर मोटर सिस्टम चेंज करना पड़ता, तो दोस्तों कस्टमर ने हमको कहा कि आप मतलब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हम मतलब उसको कंप्लीट बना रहे हैं दोस्तों। इसके बाद सब देख ही रहे हैं कि आप पूरा डैशबोर्ड हम कंप्लीट सेटअप कर रहे हैं। डैशबोर्ड फिटिंग करने के बाद ये देखिए एसी का जो नॉब है इसको भी हम लोग कंप्लीट लगा देंगे दोस्तों। चूहे की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों कि गाड़ी में चूहा लग जाते हैं सब, तो दोस्तों ये गाड़ी में चूहा देखिए लगा था, कस्टमर ने दवा भी रखा था, लेकिन चूहा इतने मतलब बदमाश हो गए हैं कि वो दवा भी साथ में लेकर चले जाते हैं गाड़ी के अंदर दोस्तों। अब क्या ही कोई कहे कि मतलब चूहा डीट हो गए हैं कि मतलब वो क्या करते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी मतलब दवा से कुछ असर नहीं करता, तो आप गाड़ी में दवा और ये सब कुछ भी ना रखें। वो बहुत लोग बोलते हैं कि वाइट वाली जो गोली होती है कपड़े में रखते हैं वो रख दीजिए, पर ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, चूहा कभी भी भागेगा नहीं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आप जहाँ पर गाड़ी रख रहे हैं वहाँ पर गाड़ी रखना आप छोड़ दें, कम से कम 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने तक का अगर गैप दे देंगे, उसके बाद से आप वापस अपने जगह पर गाड़ी रखेंगे, चूहा नहीं लगेगा। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग ये पूरा मतलब पैनल वैनल फिट कर दिए हैं, डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों। एक एक स्क्रू सब देख देख के कंप्लीट फिटिंग करना दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको सही करेंगे। आपको मतलब जो भी एक एक प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ हमें ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, उसके बाद हम आपको वो वीडियो को शॉर्ट करेंगे जो भी प्रॉब्लम हो। और दोस्तों आपकी गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, जो कि हमारे अबाउट सेक्शन में नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं कोई भी अपने कार हो, किसी भी कार के बारे में। हमारे पास हमेशा दिन में 2-3-4-5 कॉल ऐसे आते हैं जो कस्टमर के होते हैं या किसी मैकेनिक होते हैं, मेरे पास मैकेनिक के भी फ़ोन आते हैं दोस्तों, बहुत दूर दूर से मैकेनिक्स के फ़ोन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी के ऑनर हैं या कस्टमर हैं या मैकेनिक है कोई भी हो आप कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो हम लोग ज़रूर रिप्लाई उसका करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने पूरा कंप्लीट फिटिंग करके डैशबोर्ड ये मीटर अब सेट कर रहे हैं। मीटर लगाने के बाद दोस्तों इसका जो भी पैनल है उसको कंप्लीट लगाएंगे, स्टीरियो सेट करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि
हमने स्टीरियो का सारे कनेक्शन प्रॉपर बढ़िया से कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो मीटर का जो ऊपर का पैनल है दोस्तों, ये सारे लॉक पे ही है, कोई स्क्रू नहीं रहता है इसका। तो दोस्तों इसका सारा पैनल कंप्लीट हम लोग फिटिंग करने के, सिर्फ लॉक है दोस्तों, उसको बस दबाना है, पुश करना है, मतलब बैठ जाता है वहीं पर लॉक। उसके बाद दोस्तों इसका जो ये डैशबोर्ड के बगल में जो साइड का थोड़ा सा जगह बच रहा है, वहाँ पर एक छोटा सा पैनल आता है, उसको हम लोग लगा देंगे। उसके बाद स्टीरियो सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा पैनल लॉक पे ही रहता है ज़्यादातर, मतलब जो मेन होता है स्क्रू डैशबोर्ड को रोकने के लिए, वही बस बाकी सब लॉक पे रहता है। हम लोग ये देखिए साइड का ये जो पैनल है, इसको खोला गया था, इसको भी निकाल दिया, फिटिंग कर दिया गया है। इसका जो रबड़ है उसको कम्प्लीट फिटिंग कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद दूसरे साइड अपोजिट साइड में जो है इसका, उसको भी लगा देंगे। उसको भी लगा कर दोस्तों इसका जो रबड़ है जो दरवाजे में लगा रहता है दरवाजे के रोकने के लिए दोस्तों, उस रबड़ को भी हम लोग पूरा प्रॉपर बैठा देंगे। बैठाने के बाद दोस्तों ये देखिए नीचे जो ब्लोअर मोटर के लिए सेफ्टी कवर रहता है कि मतलब पैर डायरेक्ट अंदर ना जाए, किसी का लड़े नहीं, वो पैनल है उसको हम लोग सेट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम लोग डिक्की फिट कर देंगे। ऑलमोस्ट सब हमारी गाड़ी फिटिंग हो चुकी है दोस्तों, अब मतलब ये देखिए ये फिटिंग कर देंगे, इसके बाद कोई काम नहीं बचेगा, मतलब सब पैनल फिटिंग हो गया दोस्तों। हम आपको अब प्रॉपर बढ़िया से वीडियो में दिखाते हैं कि हमारा काम कैसा रहा दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहीं से चूहा अंदर गया जाता था दोस्तों, तो अब हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों एक छोटे से जाली लेकर यहाँ पर रख दिया है ताकि हवा भी आराम से जाए और बस चूहा ना लगे। देखिए दोस्तों ये जो जाली मार्केट में मिलती है, हम लोग बहुत अपने घर में भी यूज़ करते हैं ये सब जाली, तो वही जाली इसको हमने यहाँ पर लगा दिया ताकि अब अगर चूहा भी लगे तो वहाँ पर ना लगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पूरा इसका वाइपर का पैनल फिटिंग करके इसका जो भी है वाइपर दोनों लगा देंगे। इसका सारा लॉक कंप्लीट बिठा कर दोस्तों अब हम गाड़ी के अंदर आपको दिखाएंगे। बैटरी का केबल हम लोग लगा देंगे जो हम लोग तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मतलब कंप्लीट हमने काम कर दिया है यहाँ पे। ये देख लीजिए पूरा एक्यूरेट फिटिंग, कोई कुछ भी मिसमैच नहीं, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ ओवाज कुछ नहीं, एकदम प्रॉपर गाड़ी हमने रन करके देख लिया है दोस्तों। ये देखिए हमारा गाड़ी कंप्लीट स्टार्टिंग पोजीशन पे है, सब कुछ ओके काम कर रहा है, एसी हमारा ओके काम कर रहा है। आप देख लीजिए ये हमारा एसी पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, साउंड हमारा सब कुछ कंप्लीट ओके काम कर रहा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देखिए चूहा जो अपना पूरा कट कर दिया था वहाँ पे, आप देखें कि हमने जाली भी वहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो सामने बोनट साइड से हम लोग खोलते हैं वाइपर के नीचे ठीक रहता है, तो वहाँ पे एक जगह रहता है जो बाहर से हवा अंदर करने के लिए रहता है, वहीं से चूहा आके बैठ के वो पूरा काट दिया था। तो आपने देखा जैसे दोस्तों वो मिलता तो है नहीं, इसी वजह से उसको हम लोग रिपेयर किए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। ऐसे ही आप मजेदार वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।